मैं मलके के भैने सुरजन गांव के युवा किसान लाखों रुपए की खाद्य सामग्री लेकर टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना। का जो चैनल वाले हैं इनका धन्यवाद कर रहा, इन एक घंटा वेट करते हुए भी बेचारा ने हमारे को टाइम दिया और समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा और हमारी बात सुनने के लिए। भाई हम बात कराई भाई, देखो जी सबसे पहले बात तो ये है, जैसे किसान की मंडी में आता है फसल लेके आता है, जैसे हम फसल पहले लेके आते थे और ईब लेके आने में दोनों में फर्क है। क्या फर्क है वो मैं बताता हूँ। देखो आज का जो ये आंदोलन है कौन से गांव से है, क्या करने जा रहे हो इसके बारे? आज का ये जो आंदोलन है जो दिल्ली चलो, उसमें ना गांव बहनी सुरजन की तरफ से ये युवा युवा किसान दिल्ली जाएंगे और वहां जाके जब तक नहीं आएंगे, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे और सरकार इसको इन कानूनों को रद्द करके और सरकार और किसान संगठनों से बात करके अच्छा इससे बेस्ट कानून एक्टिव दोबारा बनाया जाए, उसके लिए हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं। मिली जुली जो रणनीति चल रही है उससे पूरे हरियाणा के किसान जाग चुके हैं। आने वाले समय में इनके मुंह पर तमाचा मार के ये किसान ये बताएंगे कि किसानों में कितना दम और कितनी ताकत है। आज पैदा करता है और पूरे देश का पेट भरता है। आज उस किसान की कोई सरकार पर सभी समस्त गांव के किसानों ने मिलकर गांव से चंदा इकट्ठा किया है, कम से कम लाखों रुपए का सामान लेकर आज दो ट्रेलियां भरकर गांव भैनी सुरजन के किसान दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे। जो 15-20 दिन से किसान साथी वहाँ बैठे हैं उनके लिए सहयोग दिया जा रहा है। गांव के किसानों ने मिलजुल कर इसकी व्यवस्था की है और हम ये सामान वहाँ पर जो हमारे किसान साथी बैठे हैं उनको देकर आएंगे। और सबसे बड़ी समस्या चल रही है ये निकम्मी व तानाशाही भारत सरकार के ऊपर। आज ये किसान है आज हम भैनी सुरजन के सारे युवा किसान हैं, हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं और भैनी सुरजन से, भैनी सुरजन महम चौबीसी का गांव है, क्रांतिकारी गांव है जहां हर आंदोलन में हमेशा युवा आगे रहते हैं। आज भैनी सुरजन के युवा दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर किसानों के धरने पर लाखों रुपए का सामान लेकर के जा रहे हैं, जिन्होंने गांव में चंदा किया, आटा इकट्ठा किया, चीनी पत्ती दाल और रिफाइंड सरसों का तेल जितना भी सामान गांव से हो चुका है दो ट्रेली भर करके आज टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे। और हमारे गांव का एक मदीना टोल प्लाजा पर किसान शहीद हुआ था 14 दिसंबर के टोल फ्री अभियान में, उसकी याद में सभी किसानों ने ये जो चंदा इकट्ठा किया है और दिल्ली जा कर के किसानों को धरने पर देंगे। किसानों की लड़ाई है तीनों काले कानून वापस लो। कई बार गांव में भी पंचायतों में या बीजेपी के नेता जो किसानों को बरगला रहे हैं कि ये तो विपक्ष का काम है, किसानों को बहला रहे हैं, किसान बिल्कुल जागरूक हैं। चौधरी छोटू राम की बातों को किसानों ने समझा है, किसान ने बोलना भी सीख लिया है और अपना दुश्मन भी पहचान लिया है। आज किसानों को पता है हमें किस चीज़ से नुकसान है, किस चीज़ से फायदा है। और बीजेपी बीच में SYL का मुद्दा ला रही है, SYL का काम किसानों का होता है पानी देने का, हरियाणा और पंजाब के किसानों का जो भाईचारा बना है। मैं बीजेपी को चेतावनी के साथ महम चौबीसी के इन किसानों के आवाज़ बन करके कहना चाहता हूँ, बीजेपी इस तरह की ओछी हरकत ना करे। हमें ना SYL चाहिए और ना हमें पंजाब के साथ भाईचारा खराब करना। आज जो हमारा भाईचारा बनाया है इस भाईचारे से हम SYL क्या दूसरी नदियों का भी पानी ले लेंगे, लेकिन जो भाईचारा बनाया है इसमें बीजेपी बीच में दखलंदाजी ना करे। आज हम भाईचारे के साथ जो आंदोलन कर रहे हैं इसको हम सफल भी करेंगे, तीन काले कानून वापिस भी लेने पड़ेंगे। रही बात धरनों पर बैठने की, 2024 का चुनाव है तब तक ये धरने लगातार जारी रखने की हिम्मत इन हरियाणा पंजाब और भारत देश के किसानों के अंदर है और 2024 तक ये धरने जारी रखने की तैयारी में लोग धरनों पर बैठे हैं। बीजेपी सरकार अपना फितूर निकाल दे कि ये चले जाएंगे, लामणी आ जाएगी उस समय चले जाएंगे,
सर्दी गर्मी बरसात या लामनी कोई भी काम हो, किसान अब दिल्ली से वापस तभी आएंगे जब ये काले कानून वापस हो जाएंगे। किसान एकता।